ज्वालामुखी विधानसभा के अदवानी में 3 साल पहले जिस गौशाला का निर्माण पिछली सरकार ने लगभग 25 लाख में किया था और उद्घाटन भी किया था, परंतु गौशाला आज भी राजनीतिक विवाद में उलझी हुई है। ये जो गौशाला है बनी हुई है, इसके ऊपर जैसे पैसा लगा है 30-40 लाख रुपया, तो ये गौशाला खुलनी चाहिए। हम सभी लोग यही चाहते हैं कि गौशाला जी खुलनी चाहिए। जो बन रही है उसके बारे में बाद में सोचेंगे जैसे भी होगा, पहले ये जो बनी हुई इसको इसको खोलने खोलने ये खुलनी चाहिए। कुछ दिन पहले इस गौशाला के विषय को बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद हिमाचल प्रदेश के पदाधिकारियों ने भी गौशाला का दौरा कर सरकार के ध्यान में ये विषय लाया था और कहा था कि अगर गौशाला तैयार है और उसका उद्घाटन हो चुका है तो उसे शुरू करने में क्या दिक्कत है। गौशाला संघर्ष समिति अदवानी की बैठक में सारे विषय को फिर से धार देने का निर्णय लिया गया। ग्रामीणों ने कहा कि उन्होंने कुछ रोज पूर्व SDM ज्वालामुखी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी इस आशय से ज्ञापन भेजा था और अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये जो गवर्नमेंट ने इतनी 20-25 लाख की गौशाला बनाई हुई है तो इसका यूज होना चाहिए, ये चलनी चाहिए। हम सभी लोगों को इसका आभार है कि ये बंद पड़ी है और चल नहीं रही। ग्रामीणों ने कहा कि सरकार नया गौसदन बनाना चाहती है तो उसका स्वागत है, परंतु जो चला हुआ है उसे शुरू करने में क्या तकलीफ है। बस यहाँ पे ऐसा है कि ऑलरेडी जब यहाँ पे गौशाला चली थी और यहाँ के आसपास के लोगों की फसल वगैरह नहीं होती है, क्या तो वो हर बार इसी चीज से परेशान है कि हमारा जो पशु होते हैं वो जो यहाँ पे फसल तैयार होने लगे, तो हमारी भी यही है कि हम इस चीज से देख रही है कि जो ऑलरेडी चीज बंद हो रही है, बनी भी है, नए सिरे से बनाने नहीं है। पैसे का केवल कुछ प्रशासनिक अधिकारियों की मनमानी के चलते दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, इसके लिए संघर्ष समिति जल्द ही आंदोलन की राह अपनाएगी।